सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, आज हम जानेंगे मनी ट्रायंगल के बारे में। ये एक रेयर साइन है, अगर आपके हाथ में बन रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, पर आप कर देते हैं 3 गलतियां जिस वजह से ये निशान आपके हाथ में होते हुए भी आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं दे पाता है। तो ये 3 गलतियां क्या हैं, इनको सुधारने का तरीका क्या है, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आखिर तक। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। जरूरी सूचना, अगर आपको कोई कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें, क्योंकि हमसे कंसल्ट करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर याद रखिएगा कंसल्टेशन पेड है। और शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में, इस जानकारी को देखिएगा। सबसे पहली गलती जो आप कर देते हैं वो है मनी ट्रायंगल की आकृति को पहचानने में। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग देखते हैं कि उनके हाथ में माइंड लाइन है, लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन से निकलती हुई एक रेखा माइंड लाइन को काटे तो यहाँ पर बन जाता है मनी ट्रायंगल, पर ये वो आकृति नहीं है। मनी ट्रायंगल के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी रेखा है वो है भाग्य रेखा, जिसे फेट लाइन भी कह देते हैं, जो आपकी मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत से शुरू होती हुई नीचे की ओर जाती है कुछ इस प्रकार। और वही 3 रेखाएं, एक तो आपकी माइंड लाइन, लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन से शुरू होती हुई रेखा माइंड लाइन को काट रही हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है आपका मनी ट्रायंगल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और व्यापार रेखा ने मिलकर बना दिया है मनी ट्रायंगल, और इस मनी ट्रायंगल ने घेर लिया है आपके हाथ के सेंटर को, जिसे राहु भी कह देते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हमारे हाथ में तो मनी ट्रायंगल है पर अभी तक हमें बड़ा धन लाभ क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, वजह ये हो सकती है, या तो आप जॉब कर रहे हैं या किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो इन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज़ में ये निशान आपको फ़ायदा नहीं दे पाता है, और यही है हमारी आज की दूसरी गलती। जी हाँ दोस्तों, ये निशान बनता है आपकी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा के बारे में हमने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि ये अगर आपके शनि पर्वत पे जा रही है तो ये आपके बिजनेस को दर्शाती है, बिजनेस में होने वाली सक्सेस को दिखाती है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर खुद के दम पे किया हुआ कोई भी कार्य है और ये निशान आपके हाथ में बना हुआ है तो आपको बड़ा धन लाभ होगा और बहुत जल्द होगा। अब इस निशान की प्रॉपर आकृति का आपको पता चल गया, इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी आप जान गए, पर अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि ये निशान हमें कब फायदा देता है, हमारे जीवन में कब हमें बड़ा धन लाभ होगा, कितनी उम्र में होगा। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप मनी ट्रायंगल को 2 तरीके से देख सकते हैं, एक छोटा मनी ट्रायंगल और एक बड़ा मनी ट्रायंगल। और यही आपकी तीसरी बड़ी गलती है कि यहाँ पर आप छोटे मनी ट्रायंगल की विशेषता को बड़े मनी ट्रायंगल में ढूंढ रहे हैं और बड़े मनी ट्रायंगल की विशेषता को छोटे मनी ट्रायंगल में ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इस हाथ में जो मनी ट्रायंगल है वो छोटा मनी ट्रायंगल है, राहु का एरिया इसने बहुत कम घेरा है, पर इसकी खासियत ये है कि आपकी 30 साल की उम्र से पहले आपके करियर के शुरुआती समय में ही आपको धन लाभ हो जाता है, पर वो इतना बड़ा धन लाभ भी नहीं होता कि आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाए। हाँ, ये है कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होगी, पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर जो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने में आपको समय लग जाता है। और अब बड़ा मनी ट्रायंगल, अगर आपकी भाग्य रेखा आपकी लाइफ लाइन के एंड तक जाए जहाँ से व्यापार रेखा शुरू हुई है, और ये बन जाए आपका बड़ा मनी ट्रायंगल जो आपके राहु को या फिर कह दें हाथ के सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा घेर रहा हो, तो ये आपके 30 साल की उम्र के बाद, आपको समय तो लगेगा, आपको पहले अपने करियर में पूरी तरीके से अपने पैर जमाने होंगे, 30 साल की उम्र के बाद आपको बड़ा धन लाभ होगा। और इसी के साथ जो भी आपकी इच्छाएं हैं, धन लाभ से मतलब यही है कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। छोटे और बड़े मनी ट्रायंगल की और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल में जानने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब जाते जाते आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहेंगे, जो इनकी भाग्य रेखा है आप देख सकते हैं कि चंद्र पर्वत की ओर आ रही है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है चंद्र पर्वत से निकलती हुई,
तो आपके ट्रैवल में या फिर आपकी यात्राएं ज़्यादा होती हैं आपके जीवन में, हो सकता है कि यहाँ पर आपका विदेश जाने का योग हो और इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा पे मनी ट्रायंगल बना हुआ है, तो विदेश में बड़ा धन लाभ कमाने का यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मौका है। दोस्तों ये थी जरूरी जानकारी मनी ट्रायंगल के बारे में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।